मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डायनासोर्स इंसानों के बीच में रहने लगे हैं, वो भी बड़े आराम से। और ये बात इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डायनासोर्स उनके बीच में ही रहें, क्योंकि डायनासोर्स की वजह से इंसानों की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही थी और जो डायनासोर्स थे उनकी तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी। और इसी सब के बीच हमें कंपनी के बारे में बताया जाता है जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन हुई थी। ये कंपनी अलग अलग डायनासोर्स के बारे में स्टडी करती है और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करती है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाई जाती है क्लेयर, जो कि मूवी की फीमेल मेन कैरेक्टर है, और वो यहाँ पर डायनासोर्स की हेल्प करती है और वो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए डायनासोर्स को निकालती है और उनकी जान बचाती है। अब क्योंकि ये डायनासोर्स इंसानों के बीच में आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि डायनासोर्स तादाद में काफी ज्यादा है, इसी वजह से इंसानों ने इन डायनासोर्स की डीलिंग भी स्टार्ट कर दी है। यानी कि इंसान डायनासोर्स को बेचते भी है और खरीदते भी है। और क्लेयर डायनासोर की ऐसी डीलिंग के खिलाफ है, वो डायनासोर्स को ऐसी ही चीजों से बचाती है और इसीलिए वो यहाँ पर एक डायनासोर को आजाद भी कर देती है। तब ये देखकर क्लेयर के दोस्त उससे यहाँ पर ये कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ मिलकर इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सीबीआई की तरफ से हमें जॉब की ऑफर आई है और इसीलिए हमें अपनी ज्वाइनिंग देनी है। और यही वजह होती है कि क्लेयर के दोस्त उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले ही सीन में हम ओवन को देखते हैं जो कि क्लेयर का हस्बैंड होता है। यहाँ पर ओवन भी क्लेयर की तरह डायनासोर्स को बचाता है। फिर अगले ही सीन में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि असल में क्लेयर की भतीजी होती है, लेकिन क्लेयर ने उसे अडॉप्ट कर लिया होता है और इसी वजह से अब वो क्लेयर और ओवन के साथ रहती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ उस बच्ची को बिल्कुल अपनी ही बेटी समझते हैं, लेकिन वो बच्ची यहाँ पर परेशान होती है क्योंकि वो यहाँ पर रहकर खुश नहीं थी, क्योंकि ये घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था और उसे हमेशा ही यहीं पर ही रहना पड़ता था। साथ ही साथ उसे शहर में भी जाने नहीं दिया जाता। अब ये सब कुछ वो दोनों इसकी सिक्योरिटी के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत सारे लोगों की इस बच्ची पर नजर है और वो इस बच्ची को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी बच्ची को यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा होता है, उसे लगता है कि शायद उसे यहाँ पर कैद किया हुआ है। फिर अगले ही सीन में हम एक डायनासोर को देखते हैं जो कि असल में ओवन की दोस्त होती है और उसका एक बच्चा भी होता है जिसे वो डायनासोर शिकार करना सिखा रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम दो बच्चों को देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोकल्स यानी कि टिड्डियाँ आ जाती हैं और उन टिड्डियों से बचकर वो बच्चे भाग रहे होते हैं। यहाँ पर वो टिड्डियाँ आकर पूरी फसल पर हमला करके पूरी फसल ही खराब कर देती है। ये टिड्डियाँ तादाद में काफी ज्यादा थी, यानी कि थाउजेंड्स में थी, साथ ही साथ उनका साइज भी कुछ बड़ा था और इन टिड्डियों को भी किसी और ने नहीं बल्कि उसी कंपनी ने बनाया था, यानी जो कंपनी डायनासोर्स के बारे में स्टडी करती है। अब यहाँ पर इन टिड्डियों की एक खास बात होती है और वो ये कि ये उस कंपनी की बनाई हुई किसी भी फसल पर हमला नहीं करते और इसके अलावा बाकी जितनी भी फसलें होती हैं ये उन सब पर हमला करके उन्हें खा लेती हैं। अब ऐसे ही ये टिड्डियाँ एक जगह पर भी हमला कर देती हैं। तब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि असल में एक इन्वेस्टिगेटर होती है। यहाँ इस इन्वेस्टिगेटर को ये सारी बात पता चल जाती है कि इस सब के पीछे उस कंपनी का हाथ है, लेकिन अब आगे वो अकेली काम नहीं कर सकती थी, उसे अपना काम आगे बढ़ाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए थी। तो इस मकसद के लिए वो सीधा एक आदमी के पास जाती है जो कि असल में एक साइंटिस्ट होता है, और अभी दोनों मिलकर उसे कंपनी में जा रहे होते हैं ताकि ये लोग उस कंपनी में जाएं और वहाँ से उन टिड्डियों का ब्लड सैंपल लेकर आएं, ताकि इसकी मदद से वो बाद में दुनिया को ये दिखा सके कि इन टिड्डियों को किसी और ने नहीं बल्कि उसी कंपनी ने बनाया है। और इन्हीं की वजह से हर तरफ तबाही मची हुई है और पूरा क्लाइमेट खराब हो चुका है। फिर हम उसी डायनासोर को देखते हैं जो कि ओवन की दोस्त होती है। फिर वो डायनासोर अपने दोस्त यानी ओवन से मिलने जाती है। इसके बाद ओवन उससे मिलता है और उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले काफी टाइम से कुछ लोगों की इस डायनासोर पर नजर होती है और ये वही लोग होते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, और इसी वजह से अब ये लोग इस डायनासोर के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। और तब यहाँ पर ओवन उस डायनासोर की हेल्प करने की काफी कोशिश करता है और उसके बच्चे को बचाने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब ही रहता है। उधर इनकी बेटी को भी काफी गुस्सा आया होता है, इसी वजह से वो साइकिल पर अलग ही रास्ते से जा रही होती है, लेकिन तभी वही लोग जिनकी उस बच्ची पर नजर थी वो उसे भी किडनैप कर लेते हैं। अब ये सब कुछ ओवन भी देख लेता है और यहाँ पर भी वो अपनी बेटी की कोई भी मदद नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर ओवन ये बात जानता था कि डायनासोर के बच्चे को और उसकी बेटी को जिन्होंने किडनैप किया है वो उसी कंपनी के लोग हैं। अब क्योंकि डायनासोर का बच्चा किडनैप हो गया था, इसी वजह से उसकी मदर काफी गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर ओवन उस डायनासोर से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को मैं जरूर वापस लेकर आऊंगा, इसलिए अब तुम नॉर्मल हो जाओ। लेकिन इसके बावजूद भी उस डायनासोर को इतना गुस्सा आया होता है कि वो ओवन की कोई भी बात नहीं मानती और उल्टा वो उसे काट लेती है, मतलब कि ज्यादा नहीं काटती, बस छोटी सी बाइट कर लेती है ताकि वो उस पर अपना गुस्सा निकाल सके।
इसके बाद क्लेयर और ओवन अपनी बच्ची को बचाने के लिए जाते हैं और इस मकसद के लिए वो सबसे पहले अपने उसी दोस्त के पास जाते हैं जिसने अब सीबीआई को ज्वाइन कर लिया होता है। अब जिस आदमी ने उनकी बेटी को किडनैप किया था, इनका ये दोस्त इन्हें उस आदमी के बारे में बता देता है कि वो आदमी असल में एक एजेंट है। आगे इनका दोस्त इनको ये भी बताता है कि वो आदमी इस टाइम जहाँ पर गया हुआ है वहाँ पर और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि सीक्रेटली काम कर रहे हैं। अब इसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर हम इस कंपनी के सीनियर डॉक्टर को देखते हैं। अब यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर चुपके से इन्वेस्टिगेटर को एक वॉच देते हैं। अब ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं होती, इसमें एक ऐसा बायोमेट्रिक लगा होता है कि अगर ये लोग कहीं पर भी चले जाएं तो ये वॉच इन्हें वहाँ पर भी एक्सेस दे सकती है। अब ये वॉच लेकर वो दोनों अपने काम को पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि सैंपल लेने के लिए। हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि असल में डायनासोर्स की डीलिंग करती है, यानी कि ये एक डीलर होती है। वो डायनासोर्स को बेचती भी है और खरीदती भी है, लेकिन यहाँ पर वो उसी कंपनी के कुछ लोगों से डायनासोर्स खरीद रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नजर ओवन की बेटी पर पड़ती है। इसी वजह से वो एक आदमी से पूछती है कि ये बच्ची कौन है, तो वो आदमी उस डीलर से कहता है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने काम से काम रखो। फिर इसके बाद वो डीलर वहाँ से निकल जाती है और सीन शिफ्ट होकर जाता है क्लेयर और ओवन पर। और इस टाइम वो दोनों एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के डायनासोर्स की फाइट करवाई जाती थी, यानी कि यहाँ पर छोटे डायनासोर्स को ट्रेन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी डायनासोर्स को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। और यहीं पर वो डीलर भी अपने डायनासोर्स को बेचने के लिए पहुंची होती है। फिर वो डीलर जब क्लेयर को देखती है तो वो सोचती है कि शायद ये लड़की भोली भाली और सीधी सादी है। इसी वजह से वो क्लेयर के पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्लेयर उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है और इसके बारे में उससे पूछती है, लेकिन यहाँ पर वो डीलर उसे उसकी बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं बताती। हालांकि वो तो उनके बेटी को पहले ही देख चुकी थी उस कंपनी में। फिर वो बगैर कुछ बताए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर ओवन एजेंट्स की मदद से उस आदमी को ढूंढ ही लेता है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया था, और यहाँ पर अब उनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब इस फाइट की वजह से वहाँ पर मौजूद सारे डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही वो एक दूसरे पर भी और उन लोगों पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये डायनासोर्स पूरे शहर में ही भागने लगते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। दो डायनासोर्स ओवन के पीछे भी पड़े होते हैं और ओवन उनसे बचकर भाग रहा होता है। यहाँ पर क्लेयर भी एक ऐसी लेडी को पकड़ लेती है जो कि उसकी बेटी के बारे में जानती थी। अब पहले तो वो लेडी उसे कुछ भी नहीं बताती, लेकिन लास्ट में आकर वो उसे बता ही देती है कि तुम्हारी बेटी को वो कंपनी वाले अपने साथ ले गए हैं। लेकिन इतनी ही देर में वो डायनासोर्स यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और वो क्लेयर पर हमला कर देते हैं, और तब उसे बचाने के लिए वहाँ पर वही डीलर आती है। यहाँ वो डीलर क्लेयर को बचाकर अपने प्लेन में ले आती है, और तभी पीछे से वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो भी उनके प्लेन पर चढ़ जाता है, और अब ये तीनों ही उसी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हम उनकी बेटी को देखते हैं जो कि उस कंपनी में पहुँच चुकी होती है। अब यहाँ पर उसे बात करने के लिए एक डॉक्टर आता है और वो उस बच्ची को उसके मदर के बारे में कुछ वीडियोस दिखाते हैं। साथ ही वो यहाँ पर उनकी बेटी को ये भी बताते हैं कि अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हें बनाया है, यानी कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम्हें एज अ क्लोन बनाया गया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। और वो ये कि इस बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मदर ने ही बनाया होता है। उसकी मदर ने उसे अपने ही डीएनए से बनाया था, बाकी इसके अलावा वो बिल्कुल ऐसे पैदा हुई थी जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ये बात सबसे छुपाई गई थी। यहाँ पर वो बच्ची अपने मदर से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस देखती है और इसी वजह से अब उसका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर उसे कहता है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, और उसको ठीक करने के लिए तुम्हारी मदर ने एक मेडिसिन बनाई, और बाद में उस मेडिसिन को उस बच्ची के खून में ही मिला दिया गया था, और यही वजह है कि वो मेडिसिन आज भी इस बच्ची के डीएनए में मौजूद है। यानी कि यही वो प्रोसेस है जिसे हम कह सकते हैं कि इसकी मदर ने ही इसे बनाया है। यानी ये बच्ची है तो इंसान है, बस इसकी मदर ने इसके डीएनए को थोड़ा सा बदल दिया था वो मेडिसिन देकर, और यही वजह है कि इस बच्ची को यहाँ पर लाया गया है सिर्फ और सिर्फ इसके ब्लड के लिए। क्योंकि अगर डॉक्टर को उसका ये ब्लड मिल जाता है तो उसकी मदद से वो बहुत सारी बीमारियों का क्योर बना सकता है। अब यहाँ पर ये बच्ची उससे बात कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर इस कंपनी का ऑनर भी पहुँच जाता है और वो इस बच्ची के बारे में डॉक्टर से बात करने लगता है। अब इसी दौरान उस बच्ची को मौका मिलता है और वो उस डायनासोर के बच्चे को केज से आजाद कर देती है। इसके बाद खुद भी वो वहाँ से भाग जाती है। यहीं पर हम उस इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट को देखते हैं और ये उस वॉच की मदद से उस रूम तक पहुंच गए होते हैं, यानी जहां पर बहुत सारी टिड्डियों को बनाया जा रहा था। वो उनमें से एक टिड्डी को पकड़ते हैं और उसका ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं, लेकिन अब देखते ही देखते बहुत सारी टिड्डियां उन पर हमला कर देती है। इसी वजह से इन्हें यहां से भागना पड़ता है। जब ये लोग यहां से भाग रहे होते हैं तो इन्हें यहां
यहाँ पर क्लियर की बेटी भी मिल जाती है, इसीलिए अब ये दोनों उसे भी अपने साथ मिलाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो इस बच्चे को अपने साथ लेकर इसीलिए भाग रहे थे क्योंकि वो इसकी मदर को जानते थे। अब दूसरी तरफ हम उसी प्लेन को देखते हैं जिसमें कि क्लियर और ओवन थे। अब देखते ही देखते इस प्लेन पर एक डायनासोर हमला कर देता है जिसकी वजह से अब वो प्लेन क्रैश होने लगता है। अब यहाँ ओवन क्लियर को तो पैराशूट के साथ नीचे फेंक देता है लेकिन अब वो खुद प्लेन के साथ कहीं पर गिर जाता है और इसी वजह से अभी दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ वो डीलर और ओवन एक साथ थे और क्लियर उनसे अलग थी, यानी कि क्लियर बिल्कुल अकेली थी। यहाँ क्लियर पर एक डायनासोर हमला कर देता है, वो किसी तरह उस डायनासोर से लड़ती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। उधर कंपनी का ओनर देख लेता है कि उनकी जो ट्रेन है यानी जो टनल में थी वो कहीं पर जा रही है, यानी कि कोई यहाँ से भाग रहा है और तो और बहुत सारी तिड़ियां भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। अब ये देखकर वो ओनर ये बात समझ जाता है कि कोई ना कोई तो वहाँ पर गया था लेकिन किसी की मदद के बगैर वहाँ पर जाना आसान नहीं है। तब छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि उसके सीनियर डॉक्टर ने उस इन्वेस्टिगेटर उस साइंटिस्ट की हेल्प की है वहाँ तक पहुँचने में। और अब जैसे कंपनी के ओनर को ये बात पता चलती है तो वो फौरन ही उस सीनियर डॉक्टर को जॉब से निकाल देता है। सीनियर डॉक्टर यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन कंपनी का ओनर ट्रेन को रुकवा देता है। अब जैसे ट्रेन रुकती है तो वो तीनों यानी इन्वेस्टिगेटर साइंटिस्ट और वो बच्ची बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर अब उनके सामने बहुत सारे डायनासोर्स होते हैं और अब सारे डायनासोर्स इन पर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर पहुँच जाते हैं और वो इन तीनों की जान बचा लेते हैं उन डायनासोर्स से। उधर हम क्लियर को देखते हैं जो कि भागते भागते एक रूम में पहुँचती है और ये रूम बिल्कुल किसी कंट्रोल रूम जैसा था। लेकिन तभी यहाँ पर ओवन और वो डीलर भी पहुँच जाते हैं और तभी जीप से उनकी बेटी और बाकी लोग भी आ जाते हैं और अब यहाँ पर फाइनली उनकी पूरी टीम एक हो जाती है। लेकिन तब वहाँ पर देखते ही देखते बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है और अभी लोग किसी तरह करके उसे लड़ते हैं और उसे लड़ते लड़ते कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग एक ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जिसके जरिए ये मेन कंट्रोल रूम तक जा सकते थे। उधर जब ऑनर को ये लगता है कि अब ये सारी टिड़ियां उसी कंट्रोल से बाहर हो गई हैं तो वो उन सभी टिड़ियों को जलाकर मारने का ऑर्डर दे देता है। अब उसके ऑर्डर पर रूम में आग तो लगा दी जाती है लेकिन वो टिड़ियां इतनी खतरनाक होती है कि वो सारे शीशे तोड़कर बाहर आ जाते हैं और अब देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल जाती है। उधर वो सभी लोग यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे लेकिन तभी ओवन कहता है कि मैंने अपने दोस्त यानी कि उस डायनासोर से ये वादा किया है कि मैं उसके बच्चे को आजाद करके जरूर लेकर आऊंगा और इसीलिए अब वो अपने दोस्त इन्हें डायनासोर को लेने के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसके साथ उसकी बेटी भी जाती है। उधर क्लियर इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है और वो उसकी मदद से पूरे सिस्टम को बंद कर देती है। अब इतना सब होने के बाद वो ऑनर भी वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी उसके ऊपर तो डायनासोर्स हमला कर देते हैं और उसे वो जान से मार डालते हैं। अब ओवन जो कि अपने दोस्त यानी कि उस डायनासोर के पास जा रहा था उसे रास्ते में उस डायनासोर का बच्चा भी मिल जाता है और ये लोग यहाँ पर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े दो डायनासोर्स पहुँच जाते हैं लेकिन वो इनको कुछ नहीं कहते बल्कि उनकी आपस में ही फाइट होने लगती है और अब ये सारे लोग मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं। अब यहाँ पर इन्हें दोबारा से वही डॉक्टर मिलता है जो कि क्लियर की बेटी से सवाल जवाब कर रहा था और उसने उसे उसकी मदर के बारे में बताया था इन्हें डी आने वाली बात। यहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि मुझे इस बच्चे का खून चाहिए क्योंकि मैंने गलती से एक बहुत ही खतरनाक टिड्डी बना दी है और अब उसे क्लियर करने के लिए मुझे इस बच्चे का खून चाहिए थोड़ा सा और अब वो बच्ची यहाँ पर इस बात के लिए मान जाती है और अब यहाँ पर फाइनली ये सारे लोग उस जगह से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने उस बच्ची के खून की मदद से वो मेडिसिन बना ली है जिसकी वजह से क्लाइमेट दोबारा से ठीक होने लगता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये फैसला भी किया होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी डायनासोर्स को हैंडल नहीं करेगी और डायनासोर्स जिस आइलैंड पर रहते हैं उस जगह को ही डायनासोर्स का घर बना दिया जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ओवन अपने वादे के मुताबिक उस डायनासोर को उसका बच्चा दे देता है। वो डायनासोर भी अपने बच्चे के साथ काफी खेल रही होती है और इन्हीं हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये मूवी यहीं पर एंड।